मॉरिशियस के थिएटर मालिक को आईसीस की धमकी, कहा द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग हुई तो बम से उड़ा देंगे। अभी मुक्तेश्वर आनंद बोले, हिंदू राष्ट्र नहीं राम राज्य चाहिए, हिंदू समाज को तोड़ने की हो रही साजिश। सचिन पायलट अब नहीं करेंगे आंदोलन, अल्टीमेटम खत्म होने से पहले गहलोत पायलट में सियासी सीज फायर, दोनों ने हाईकमान पर छोड़ा फैसला। दिल्ली शराब नीति केस में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीडीएस बोले, मणिपुर हिंसा जातीय संघर्ष उग्रवाद नहीं, हालात ठीक होने में समय लगेगा। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा हमने हर फैसला लोगों की भलाई के लिए लिया। आरबीआई ने जारी की एनुअल रिपोर्ट, 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने के अनुमान। जम्मू में पुल से गिरी बस, 10 की मौत 57 घायल, बस में 75 यात्री सवार थे। दिल्ली मर्डर मामले में नई जानकारी, साहिल ने 15 दिन पहले चाकू खरीदा था, कहा हत्या का कोई पछतावा नहीं। युगांडा में समलैंगिक संबंध बनाने पर सजाए मौत, LGBTQ के खिलाफ दुनिया भर का सबसे सख्त कानून बना।